आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हियर क्वेश्चन इज, इन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इफ एबी इज पैरेलल टू डीसी, एबी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बीसी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एडी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, देन व्हिच फिगर कैन बी कंस्ट्रक्टेड। ओके, हमें बताना है कि कौन सा फिगर है जो इनमें से वो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारे पास कंडीशन गिवन है कि वन पेयर इज पैरेलल। ओके, ये हमें गिवन है, दैट इज ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ओके, नाउ यहाँ पे हम एक चीज और देखते हैं कि एंगल बी जो है वो 70 डिग्री है और जो रिमेनिंग साइड्स हैं वो भी सब हमारी कैसी हैं, अलग अलग हैं। ओके, ए डी इज 6.5 सेंटीमीटर, सो ये सभी सेंटीमीटर्स में है। अब यहाँ देखिएगा कि पहली बात तो ये कि तीनों साइड्स अलग अलग हैं, सो ना तो ये हमारा स्क्वायर हो सकता, ना ही हमारा रोम्बस हो सकता, ना ही हमारा रेक्टेंगल हो सकता। क्यों? क्योंकि स्क्वायर में और रोम्बस में क्या होती है कि सभी साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में अपोजिट पेयर इक्वल होते हैं, बट यहाँ तो तीनों साइड्स अलग हैं और ओनली एक पेयर पैरेलल है, सो एंगल बी जितना है 70 डिग्री है। सो इसका मतलब इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन होगा, ट्रेपीजियम, ऑप्शन सेकेंड, वही हमारा आंसर होगा। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।